एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 एंड 24 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, विच इंडियन हैज बीन रोप्ड इन एज द एम्बेसडर फॉर ICANN सपोर्टेड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप। तो इस ग्रुप के एम्बेसडर कौन अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? सबसे पहले, ये एक ग्लोबल इंटरनेट बॉडी है और इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर विजय शेखर शर्मा को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, कौन है ये? इनको सब जानते हैं, ये पेटीएम के फाउंडर भी हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप एक्चुअली क्या काम करती है? ये उन लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करती है जो कि अभी यूज नहीं की जाती हैं इंटरनेट एक्सेस में। ठीक है, मतलब वो भाषाएं जिनमें अभी इंटरनेट एक्सेस करना मौजूद नहीं है उनके ऊपर ये वर्क करती हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, ये एक और कमिटी के पार्ट हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने फॉर्म की थी। किस लिए? ताकि एक रोड मैप तैयार किया जा सके फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और मल्टीलिंगुअल इंटरनेट पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंटरनेट को मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुत सारी बहुभाषीय तरीके से यूज करने के लिए कितने ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले हैं मिस्टर चंचल कुमार, ये हाल ही में बन गए हैं MD किसके? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके अलावा सेकेंड है दिलीप संघानी, ये बन गए हैं नए चेयरपर्सन किसके? इफको के। ठीक है, इफको क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। याद रखिएगा, ये इसके 17वें चेयरमैन बन गए हैं। पहले ये एक्चुअली वाइस चेयरमैन थे और इन्होंने अब सक्सीड किसको किया है? मिस्टर बलविंदर सिंह नकई को। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने किसकी जगह ली है। ठीक है, इसके बाद सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं मिस्टर विक्रम देवदत्त, ये बन गए हैं चेयरमैन और MD किसके? एयर इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, और याद रखिएगा साथी, सेंटर ने हाल ही में रीअपॉइंट कर दिया है विजय पॉल शर्मा को किस पोजीशन के लिए? एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, दैट इज CACP। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये रीअपॉइंट हुए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस्टर नवरंग सैनी का कार्यकाल बढ़ा कर दिया है 3 और महीने के लिए, मतलब 5 मार्च 2022 तक के लिए। कौन से पोस्ट पे हैं ये? ये हैं चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि हमारे नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF कौन है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? गीता गोपीनाथ को, जो कि पहली वुमेन है जो बन गई थी चीफ इकोनॉमिस्ट IMF की। अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। और इन सब के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक S सोमनाथ हैं हमारे नए चेयरमैन इसरो के, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? KC1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिमिटार कोवासेवस्की इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर है नॉर्थ मैसेडोनिया, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? जोरान जेव को। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने दो चीजें अनाउंस की हैं कि ये सबसे पहले जो वहां पे एनर्जी क्राइसिस अभी चल रहा है प्रेजेंट में उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड चीज इन्होंने जो बोली वो थी कि बल्गेरिया के साथ कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, और नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करें तो एक कंट्री है कहां पे? साउथ ईस्ट यूरोप में। ठीक है, अब हम लोग कुछ नए प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ज़ेक रिपब्लिक ने पेट्रोफाइला को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है, उसके बाद पहली फीमेल प्रेसिडेंट ट्यूनीशिया कंट्री की कौन है? नजला बॉर्डन।
ओके। इसके बाद हैं गैब्रियल बोरिक, ये बन गए हैं सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट किस कंट्री में? चिले में। इसके बाद पिछली वीडियो में हमने देखा था रॉबर्टा मैटसोला बन गई हैं थर्ड वुमेन टू हेड यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसी के साथ रॉबर्टा मैटसोला सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट भी बन गई हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था सबा अल खालिद अल सबा नए प्रधानमंत्री बन गए हैं किस कंट्री के? कुवैत के। और साथ ही याद रखिएगा मिस्टर विवेक जौहरी को हाल ही में नियुक्त किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और उसके बाद अल रईसी जो कि इंस्पेक्टर जनरल हैं किस कंट्री के? यूएई के। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन में, जो कि फ्रांस में है। इसके बाद कंट्री निकारागुआ के नए प्रेसिडेंट कौन है? डेनियल ओर्टेगा, जो कि चौथी बार यहाँ की पोजीशन संभालने वाले हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया था कि उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को फिर से रिकंस्टिट्यूट किया जाए, और इसके प्रेसिडेंट कौन है या फिर आप कह सकते हैं इसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर विवेक देबरॉय, ठीक है। ये प्रेसिडेंट भी किसके हैं? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। अब आपको मुझे बताना है कि इस कमेटी में तीन नए मेंबर्स कौन से अपॉइंट किए गए हैं, आपको उनका नाम बेसिकली बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन स्टेट हैज ज्वाइंट हैंड्स विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स? तो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया है ताकि फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके फार्मर्स के लिए उनके स्टेट में? तो आंसर है यहाँ पे उड़ीसा। तो इस एग्रीमेंट के अंदर में जो फार्मर्स की रेजिलियंस होती है क्लाइमेट चेंज को लेके, उसको मजबूत करने की बात की गई है। साथ ही साथ जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो कि टोटल फार्मर्स का 90% होते हैं, इनको भी काफ़ी हद तक सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं, ना तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं फाइनेंशियली, इस वजह से उनकी हेल्प की जाएगी इस तरीके से, ताकि जो भी क्लाइमेट में बदलाव होते हैं या फिर जो भी उनकी फसलें खराब हो रही हैं उसका कम से कम इम्पैक्ट पड़े फार्मर्स की लाइफ पे, ठीक है। देखिए अब तीन बातें उड़ीसा के बारे में करेंगे जिसकी वजह से हाल ही में न्यूज़ में था ये। सबसे पहले इसने लॉन्च किया था स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0, कहाँ पे? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस 2022 पे, ठीक है। और क्या एम था इसका? इसका एम था कि ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा सारे उन बच्चों को जो कि सेल्फ एफिशिएंट नहीं होते हैं, उनको इनोवेशन सेक्टर में मदद करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ में इनोवेट करना चाहते हैं कुछ, तो उनको फाइनेंशियली गाइड किया जाएगा, ओके। और ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट होगी अगले 5 सालों तक के लिए। तो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि SSIP 2.0 कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? आंसर है उड़ीसा। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के जो कि हैं नवीन पटनायक, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है टी सेतु, जो कि उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी। और कहाँ पे है? कटक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गंजम। हाल ही में इन्होंने खुद को ये अनाउंस कर दिया है कि ये पहली ऐसी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे अब कोई भी चाइल्ड मैरिज का केस नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया है इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। और इसके लिए इन्होंने एक कैंपेन भी रन किया था जिसका नाम है निर्भया कड़ी, या फिर आप कह सकते हैं द फियरलेस बड, ठीक है। तो ये तीन बातें थी जिसकी वजह से उड़ीसा न्यूज़ में था, और ये हो गई इसकी चौथी बात। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इनिशिएटेड द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? तो किसने इस चीज़ को इनिशिएट किया था? आंसर है इंडिया ने। इंडिया ने एक्चुअली CDRI को अनाउंस किया था कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट में, जो कि 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे कब होता है? 19 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 2006 में NDRF को क्रिएट किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कि NDRF कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब क्विकली हम लोग दिसंबर 2021 से कुछ थीम्स और इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को होता है एड्स डे। इसकी थीम क्या थी इस साल की, मतलब 2021 की? एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, ठीक है। देखिए जनवरी में अगर आपका एग्जाम है तो ज़रूरी नहीं है कि जनवरी से ही आपके पेपर में
डेज पूछा जाए, जनवरी से भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, नवंबर अक्टूबर तक इनफैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जनवरी का याद रखना है, आपको एटलीस्ट 3 महीने का याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ओके। 2 दिसंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे तो ऑब्वियसली नहीं याद रख सकते हैं, ठीक है। 4 दिसंबर को होता है इंडियन नेवी डे, फिर 7 दिसंबर को होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, और इसी दिन हम लोग इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाते हैं। इसके बाद 10 दिसंबर को होता है ह्यूमन राइट्स डे, और इस बार की थीम क्या थी? इक्वालिटी, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग द ह्यूमन राइट्स। और उसके बाद 14 को होता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, एनर्जी एफिशिएंट इंडिया, ओके। उसके बाद 18 दिसंबर को हम मनाते हैं इंडिया का माइनॉरिटीज राइट्स डे। उसके बाद 22 को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, फिर 23 दिसंबर को होता है किसान दिवस, जिसको हम नेशनल फार्मर्स डे के भी नाम से जानते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो किसान दिवस हम मनाते हैं, ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बर्थडे के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद 24th ऑफ दिसंबर को होता है नेशनल कंज्यूमर्स डे, और इस बार की थीम थी टैकलिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। उसके बाद 25th ऑफ दिसंबर को होता है नेशनल गुड गवर्नेंस डे, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे दिसंबर मंथ से, जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इज अ बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये कमीशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सबसे पहले देखते हैं कि क्यों न्यूज में था ये कमीशन। एक्चुअली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को अब 3 और साल के लिए बढ़ाया जाएगा, ठीक है। कब से? फ्रॉम April 1, 2022, ठीक है। तो ये जो NCSK है, ये स्टैचुटरी बॉडी है सबसे पहले, और कब बनी थी? 1994 में अंडर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट ऑफ 1993। तो जो इसका टेन्योर है वो ऑलरेडी कई बार बढ़ाया जा चुका है, और ये किसके अंडर में वर्क करता है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अभी रिसेंटली ऑफिशियल डेटा के हिसाब से लगभग 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इंडिया में, ठीक है। ये डेटा कब तक का है? December 31, 2021 तक का। इसके बाद हमने कुछ दिन पहले देखा था कि इंदौर को डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी 5वीं बार लगातार, ठीक है। किस अवार्ड के अंतर्गत? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। इंदौर के बाद कौन था? सूरत सेकेंड प्लेस पे, और उसके बाद था विजयवाड़ा। और अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे साफ स्टेट किसको माना गया है? छत्तीसगढ़ को। और सबसे साफ सुथरा गंगा टाउन कौन सा है? वाराणसी। तो ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और इसके अलावा हमने देखा था कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 को लॉन्च किया था, जो बेसिकली पब्लिक परसेप्शन, मतलब क्या सोचते हैं वहाँ की पुलिस के बारे में, या फिर कितना ट्रस्ट है उनको वहाँ की पुलिस के ऊपर, और सिटीजन्स वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के आम नागरिक जो हैं, वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हैं पुलिस सर्विस से, इस चीज़ को मेजर करता है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेट कौन था? आंध्र प्रदेश। सेकेंड था तेलंगाना, और थर्ड था असम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द KCR किट स्कीम ऑफ तेलंगाना। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि ये स्कीम कौन से स्टेट से है? तेलंगाना की है। और कौन इसके बेनिफिशरीज हैं? तो ये स्पेशली स्कीम निकाली गई थी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। क्यों? ताकि जो भी जरूरी सामान है वो प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड किए जा सकें, और साथ ही साथ उसके न्यूबॉर्न बेबी को। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है 12,000 रुपयों की 3 चरण में, ठीक है। और अगर गर्ल है, मतलब अगर लड़की है उनकी न्यूबॉर्न बेबी, तो फिर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मतलब 13,000 रुपये दिए जाते हैं टोटल। क्यों न्यूज़ में थी ये किट? क्योंकि अभी हाल ही में इस किट को लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम लोग तेलंगाना के बारे में कुछ बात करते हैं, किस वजह से न्यूज़ में था ये कुछ दिनों से। सबसे पहले, इंडिया का पहला भेल द्वारा बिल्ड, भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल मेथनॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है इस प्लांट की? 0.25 टन पर डे, और ये मेथनॉल को प्रोड्यूस करेगा विथ प्योरिटी ऑफ मोर देन 99%। किस चीज़ से? फ्रॉम हाई ऐश इंडियन कोल।
इसके अलावा तेलंगाना अपनी एक स्कीम की वजह से भी न्यूज़ में था, क्या नाम है उसका, माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम, हमने बात की थी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो। इसको 3 साल तक के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बजट कितना है इस स्कीम का, 7,289 करोड़ रुपीज़। तो क्या इसका एम है, जो भी वहाँ पे स्कूल्स हैं तेलंगाना स्टेट में उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को इन्हेंस करना। ओके इसके अलावा याद रखिएगा तेलंगाना स्टेट ने हाल ही में टॉप किया है श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो यहाँ के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम है सांगारेड्डी और कामारेड्डी, ये टॉप 2 पोजीशंस पे आते हैं अमंग 300 क्लस्टर्स जहाँ पे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। क्या एम था इस स्कीम का, इस मिशन का एम ये था कि जो भी बेसिक सर्विसेज हैं उनको इन्हांस कर सकें और वेल प्लान्ड क्लस्टर्स का क्रिएशन हो सके। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि इसमें टॉप किसने किया है इसको इम्प्लीमेंट करने में, तेलंगाना ने। तो ये 3 बातें थी जिनकी वजह से तेलंगाना न्यूज़ में बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, लाखावा एंड बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये, तो ये हैं असम की। एक्चुअली काजरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, यहाँ पे एक सेंसस हुआ था जिसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि इस नेशनल पार्क में 868 स्वैम्प डियर बचे हुए हैं। ठीक है, पहले 907 थे और अब घट के 868 हो चुके हैं। ये सेंसस है 2018 का और रीज़न क्या है, ड्यू टू 2 ऑफ इट्स फ्लड्स। ठीक है, और अगर वेटलैंड बर्ड्स की बात करें तो टोटल 66,776 बर्ड्स पाई गई थी जो कि 126 डिफरेंट स्पेशीज की थी। इनमें से 42,205 बर्ड्स काजीरंगा नेशनल पार्क से बिलोंग करती थी जबकि 24,571 कहाँ से मिली हमें, लाखोवा एंड बुराचापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो बस छोटी सी बात थी जिसकी वजह से न्यूज़ में था, लेकिन जो भी चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं वो आपके स्टैटिक का हिस्सा बन जाएंगी और जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ से हैं, असम से। अब असम के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि असम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो ओरांग नेशनल पार्क का साइज़ इंक्रीज करके इसके 3 टाइम्स करने वाला है। ठीक है, तो फाइनली 200 स्क्वायर किलोमीटर इसमें और ऐड होगा। सिंपली आपको याद रखना है ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। कब बना था टाइगर रिजर्व ये, 2016 में। तो असम में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, देहिंग पटकाई, दिब्रू साइखोवा, मानस, काजीरंगा, देन नामेरी और रायमोना और इसके अलावा ये ओरांग है। ठीक है, याद रखिएगा देहिंग पटकाई हाल ही में जून 2021 में सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है जो कि ऐड किया गया है। इसके अलावा जो मानस और काजीरंगा हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, साथ ही साथ टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। इसके अलावा असम अपनी एक डिस्ट्रिक्ट की वजह से भी न्यूज़ में था, क्या नाम है उसका, कचार डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है मिशन परवरिश और इसने हेल्प की थी 800 में से लगभग 704 बच्चों को अक्यूट मैल नरिशमेंट से निकालने में। ठीक है, और इस मिशन को स्कॉच अवार्ड भी मिला है। ठीक है, और हमने बहुत बार बात की है असम अपने कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट की वजह से भी न्यूज़ में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, किसने रिलीज की है इस इंडेक्स को, तो आंसर है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या बताता है ये इंडेक्स, एक्चुअली मेजर करता है कि जो भी पेमेंट्स हम करते हैं वो अब कितना ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं, मतलब एक तरह से ये डिजिटल पेमेंट को मेजर करता है। ठीक है, तो सितंबर 2021 की बात करें तो ये बढ़ के 304.06 हो चुका है और लास्ट ईयर सितंबर 2020 में ये कितना था, 217.74। ठीक है, तो इस DPI को एक्चुअली किस बेस से हम कंपेयर करते हैं, मार्च 2018 से, ये बेस है इसका। ओके, और टोटल 5 पैरामीटर्स होते हैं उसके, सबसे पहला पेमेंट इनेबलर्स, फिर सेकेंड है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, फिर थर्ड है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, फोर्थ है पेमेंट परफॉर्मेंस और लास्ट है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ओके, इसके अलावा याद रखिएगा यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि वो 1500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेंगे किसके साथ, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये एक तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और काम क्या है इसका, टू प्रमोट डेवलप एंड एक्सटेंड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप द प्रोजेक्ट्स, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये सेटअप करने में हेल्प करेंगे जो कि
न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करें, इस वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया है। इसके अलावा याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड बन गया है सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला UPI बेनिफिशियरी हमारी इंडिया में, ठीक है। क्योंकि हाल ही में पेटीएम ने अपना लैंडमार्क अचीव किया है, 926 मिलियन UPI ट्रांजैक्शन हुए थे सिर्फ एक महीने के अंदर, ओके। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसके चेयरमैन कौन हैं, हमने पीछे बात की थी, विजय शेखर शर्मा, और MD और CEO कौन हैं पेटीएम के, सतीश कुमार गुप्ता, ठीक है। और इन सब के अलावा हमने कुछ दिन पहले देखा था कि RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है ओम्बड्समैन स्कीम्स की 2020-21 के लिए, ठीक है। इस रिपोर्ट को 9 महीने के अंतराल के लिए बनाया जाता है, यानी कि ये रिपोर्ट कवर करती है टाइम पीरियड 1 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का, ओके। और याद रखिएगा कि इसमें जो मेजर एरियाज देखने को मिले हमें कंप्लेंट्स रिलेटेड, वो ATM से थे, या फिर डेबिट कार्ड से थे, या फिर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से थे, या फिर क्रेडिट कार्ड से थे, ओके। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हमें देखने को मिली, और उसके बाद सेकेंड पोजिशन पर था कानपुर, और थर्ड पोजिशन पर था न्यू दिल्ली, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट्स द देश के मेंटोर प्रोग्राम। तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का प्रोग्राम है ये? आंसर है न्यू दिल्ली। क्या होगा इसके अंदर? जो भी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको हेल्प किया जाएगा कि वो अपने कैरियर के लिए सही डिसीजन ले सकें। तो हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि कुछ नए प्राविधान इसमें गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता चलता है कि जो हमारे मेंटोर हैं वो पुलिस केस में इत्तला हैं, या फिर किसी तरह के पुलिस केस से इन्वॉल्व हैं, तो उनको तुरंत डीरजिस्टर किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी फ़ोन कन्वर्सेशंस हो रही हैं मेंटोर और स्टूडेंट के बीच में, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर फ्यूचर पर्पस, ओके। अब दिल्ली की बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली ने पास किया है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल, जो कि वर्ल्ड क्लास टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाएगी, कहाँ पे? बकरवाला विलेज में, ओके। इसके अलावा दिल्ली असेंबली ने एक और अमेंडमेंट बिल पास किया था टू द दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1971। तो इसके अंदर में अब जो तख्त दमदमा साहिब है उसको पांचवा तख्त मान लिया गया है सिख का, ठीक है। तो अब टोटल 5 सिख तख्त हो गए हैं, 3 पंजाब में है, 1 महाराष्ट्र में है, और 1 बिहार में है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अलॉन्ग विथ विच कंट्री साइन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2020-2025। तो ये हमने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? तो इंडिया और डेनमार्क ने अग्री किया है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी ग्रीन फ्यूल के सेक्टर में, और स्पेशली अगर बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो ऑलरेडी हमने अडॉप्ट किया है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2020-2025। उसके अंदर ही हमने ये डिसाइड किया है कि हम ग्रीन फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसराइल ने हाल ही में कंडक्ट किया है अपना सक्सेसफुल टेस्ट Arrow 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, ठीक है। तो 2 Arrow 3 इंटरसेप्टर्स फायर किए गए थे टारगेट पे, और उन्होंने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया था। तो याद रखिएगा, Arrow 3 इंटरसेप्टर किससे रिलेटेड है? इसराइल से। इसके अलावा चाइना ने ब्रिक्स की लीडरशिप इंडिया से ले ली है फॉर द ईयर 2022। तो टोटल 25 इवेंट का प्लान है कि हम इस साल 25 इवेंट करेंगे ब्रिक्स के अंदर, और डिसाइड कौन करता है? ब्रिक्स की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें से 5 इवेंट इंडिया खुद होस्ट करने वाला है, ओके। और ब्रिक्स की बात करें तो ये 5 नेशंस का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हमने कहीं ना कहीं इसको जरूर किया है पीछे, बस आपको रिवाइंड करने की जरूरत है और रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो याद करके बताइए इनके आंसर क्या हो सकते हैं, और अगर आपके 5 में 5 आते हैं तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट या फिर डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। विद टाइम आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंटली इन वीडियोज के साथ रेगुलर रहना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कॉमेंट्स में, हमें जानकर अच्छा लगेगा बहुत। और अगर आपके कोई भी फीडबैक है, रिव्यू है, सजेशन है, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हमें खुशी होगी जानकर, और हम उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह,
हमारे कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू हसना साइनिंग ऑफ.